नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कुंडली में बहुत से योग होते हैं, कुछ योग खराब योग होते हैं जो हमें काफ़ी असफल, उनकी महादशा वगैरह जब चलती है उन ग्रहों की जो योग बने होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें असफलता मिलती है। और कुछ ऐसे राजयोग होते हैं कुंडली में, ऐसे राजयोग होते हैं जिनकी, उन ग्रहों की जब महादशा चलती है तो हमें काफ़ी बहुत जीवन बिल्कुल बदल जाता है, बहुत पैसा देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, मान सम्मान देते हैं। आज कुछ ऐसे ही राजयोगों की हम बात करेंगे, जो ऐसे कुछ ऐसे राजयोग होते हैं, ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को बहुत सफल बनाते हैं। व्यक्ति जब सफल होता है तो भूमि, वाहन, भवन आदि का निर्माण करता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूमि, भवन आदि का व्यापार ही करते हैं और इनके व्यापार से रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी का कार्य, रियल इस्टेट का वर्क होता है, रियल इस्टेट का वर्क करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको सफलता प्राप्त होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। ऐसा योग जो होता है कुंडली में, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं और उनकी युति कुछ ऐसे भाव में होती है तो व्यक्ति को बहुत सफलता मिलती है। लेकिन ये सफलता जब होती है वो योग भी बन रहे होते हैं और उन ग्रहों की महादशा भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो एकदम से उनका जीवन परिवर्तन, उनके जीवन का परिवर्तन हो जाता है, वो सफल हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। जब कुंडली में ये योग बनते हैं जो हमें रातों रात करोड़पति बना देते हैं, ऐसे कौन से योग होते हैं आइए जानते हैं इनके बारे में। कुंडली में आप जानते होंगे फोर्थ हाउस जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। चौथा भाव कुंडली का सुख, वाहन और माता का भाव होता है। चौथे भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो और दूसरे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, या फिर चौथे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, ग्यारहवें भाव में बैठा हो, ग्यारहवें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो। एक तो ये योग हो गया परिवर्तन योग, इसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी लाइन का अगर आप काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा चौथे भाव का स्वामी, ग्यारहवें भाव का स्वामी और सेकंड हाउस दूसरे भाव का स्वामी, तीनों एक साथ में सेकंड हाउस में बैठे हों या ये तीनों फोर्थ हाउस में बैठे हों या एलेवेंथ हाउस में बैठे हों, ये भी बहुत अच्छा योग है। ये योग अगर बन रहा है तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, रियल इस्टेट के जो आप कार्य कर रहे हैं रियल इस्टेट का, उसमें बहुत सफलता मिलेगी ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा चौथे भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी और एलेवेंथ हाउस, ग्यारहवें भाव का स्वामी टेंथ हाउस में बैठा हो, दसवें भाव में बैठा हो, तो ये योग भी आपको बहुत सफलता देगा। ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप समझ लीजिए आप रियल इस्टेट का कार्य कर रहे हैं और जो ये ग्रह हैं इन ग्रहों की जब महादशा आएगी तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये योग जो हैं आप अगर आपकी कुंडली बन रहे हैं तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली आपकी होती है जो, दोनों कुंडली से देखें, दोनों से इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लग्न और चंद्र कुंडली दोनों से देखें। इसके अलावा आप कुंडली में देखें कि चौथे भाव का संबंध मंगल से अगर हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी से लाभ दिलाता है, बहुत अच्छा योग ये भी माना गया है। इसके अलावा आप कुंडली में देखें कि नक्षत्र का,
नक्षत्र के लिए इन लोग जो ये चौथे भाव का नक्षत्र है, माना चौथे भाव और दूसरे भाव और ग्यारहवें भाव के जो लॉर्ड हैं, इनके जो स्वामी हैं, इनके आपस में एक दूसरे के नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। अगर एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं तो समझ लीजिए बहुत, ये भी बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी से पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा ये भी होता है। नक्षत्र अगर एक दूसरे के परिवर्तन हो रहे हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, ऐसा होने पर व्यक्ति जो होता है स्वयं की भूमि अथवा मकान बनाता है। स्वयं की भूमि अथवा मकान होने के लिए चौथे हाउस को कारक माना गया है। मंगल जो होता है भूमि का कारक है, इसलिए अपना मकान बनाने के लिए मंगल की स्थित कुंडली में शुभ तथा बलि होनी बहुत ज़रूरी होती है। मंगल अगर शुभ है आपकी कुंडली में तो ये बहुत अच्छा कुंडली के लिए आपके लिए होता है मंगल का शुभ होना, क्योंकि मंगल कारक होते हैं भूमि के लिए। इसके अलावा जो है कुछ और भी होते हैं योग, बात अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमें कार्य जो हम वर्क करते हैं उसमें सफलता देते हैं। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कि कौन से ऐसे योग होते हैं जो हमें कौन से वर्क करने चाहिए उसमें बहुत सफलता देंगे, हमें सफल बनाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था एक योग के बारे में, रियल इस्टेट का कार्य है, अगर आप कर रहे हैं उसमें सफलता देगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।